नमस्कार दोस्तों, हकीन कुरे सॉफ्ट टेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेस में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे को कुछ बेसिक नीड है जो कि हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमको पता होना चाहिए डेटा टाइप, किस तरह से आप डेटा टाइप का यूज़ करोगे पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग। और अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में नहीं पता, डेटा टाइप के बारे में नहीं पता, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए स्कैनएफ के बारे में, जिस जो वो आपका यूज़र इनपुट लेता है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं स्कैनएफ के रिगार्डिंग। और हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर अंडर रूट भी आ रहा है, तो अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी फॉर्मूला होता है, और एस की वैल्यू होती है हमारी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं हम प्रोग्राम में, और इसी तरह से हम अदर फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, इस वजह से हम यहाँ पर एक हेडर फाइल और ऐड कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट का फंक्शन लिख रहा है। उस हेडर फाइल का नाम है math.h, और यूजुअली void main यूज़ करेंगे। void main यूज़ करने के बाद हम कुछ लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो कि हमारे इस फॉर्मूले में काम आने वाले हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमने प्रिंट किया एंटर द वैल्यू ऑफ वन साइड, उसको हमने स्कैन करा लिया ए में, और उसी तरह से हमने क्या किया एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड साइड, उसको हम स्कैन करा लेंगे बी में, और बिल्कुल इसी तरह एंटर द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड और उसको स्कैन करा लेंगे हम अपनी थर्ड साइड में, यानी कि सी वेरिएबल में। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे इसमें आपको बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट का एफ, क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए हैं फ्लोट। और उसके बाद मैंने फार्मूला अप्लाई किया एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, और टी है यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया। तो उसके बाद जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम दिखाते हैं आपको एरिया क्या निकल गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंटाइल डी और कॉमा टी। तो हमारा ये हुआ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं आज आपको इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन। तो आइए कैसे हम इसके लिए यूज़ करते हैं F8। तो F8 के लिए देखिए, सबसे पहले इसने एरर वेरिफिकेशन किया, और उसके बाद void main पर आ गया। void main चल चुका है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन चला है, लोकल वेरिएबल अभी हमारे स्टोर हो चुके हैं, उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइड ये हमारा प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद स्कैनिंग। स्कैनिंग दैट मीन ये वैल्यू लेगा हमारा प्रोग्राम यूज़र से, किस तरह से, ऐसे एंटर द वैल्यू फर्स्ट साइड। माना मैंने यहाँ पर दो दे दिए साइड, और उसके बाद एंटर प्रेस किया है, तो एंटर प्रेस करने के बाद फिर F8 प्रेस करता हूँ, तो एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड साइड इस तरह से लिखा आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड साइड। यहाँ पर मैंने माना 3 दे दिया, और उसके बाद एंटर प्रेस किया, और ऑब्वियसली बात है उसके बाद थर्ड साइड मांगेगा हमसे, और थर्ड साइड मैंने यहाँ पर दी 4। अभी क्या है, अभी इसने फॉर्मूला कैलकुलेट कराया एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि जो भी ए बी सी हमने दिया उसको 2 से डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद क्या किया इसने SQRT यानी कि स्क्वायर रूट निकाला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और टी में स्टोर कर दिया है। उसके बाद इसने इस लाइन को इंटरप्रेट किया है, दैट मीन प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंटाइल एफ कॉमा टी, यानी कि टी की जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटाइल एफ की प्लेस पर रिप्रेजेंट कर देगा। गेट सी एच यानी कि करेक्टर गेट करेगा, और आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा इस तरह, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2.904737। आप इस प्रोग्राम में डायरेक्टली कंपाइल एंड रन भी कर सकते हैं, तो कंपाइल तो ये है ही, इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली कि किस तरह से करते हैं। ऑल्ट प्लस F9 के थ्रू भी लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइड, मैंने 2 दे दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड साइड 3 दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड मैंने यहाँ पर 4 दिया, और इसने एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2.904737 रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका कॉमन तरीका था, और एक दूसरा तरीका वो इंटरप्रिटेशन वाला, वो मैंने आपको इस प्रोग्राम में बता ही दिया।
सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने mat.h नाम के एक हेडर फाइल का यूज़ किया sqrt नाम के फंक्शंस का यूज़ करने के लिए। इस तरह से साइन कॉस हम काफ़ी सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं mat.h नाम की हेडर फाइल के थ्रू। और डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पर फ्लोट यूज़ किया जैसा आपने देखा ही है, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर स्कैन किया था वैल्यू को गेट करने के लिए, और प्रिंट किया था प्रिंट करने के लिए वैल्यू को, जो भी फॉर्मूला हमने यूज़ किया उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई उसके लिए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप उस डाउट को हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्ण चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।